तो हेलो गाइस वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो मेरा नाम है अपूर्व मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ दो लैंग्वेजेस में इंग्लिश हिंदी दोनों की लिंक मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसपे अभी छः हज़ार थाउजेंड एंड फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन सब्सक्राइबर्स हैं ओके लास्ट ट्रेडिंग वीडियो खजारिया सीरामिक्स पे था इंग्लिश ऑडियो हिंदी ऑडियो दोनों मिल जाएंगे सारी ट्रेड डिस्कशन लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड एंड पोजिशनल ट्रेड इन्हीं तीनों सेगमेंट्स को मैं करता हूं। और करता हूं सिफ और सिफ। अमेजिंग ट्रेड्स यहाँ पे मैंने आपसे आपके साथ शेयर करी थी राइट सो so गाइज बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप लोग अगर स्किप कर दो बाई चांस अपडेट ना तो वहां पे आप वॉच कर सकते हो तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी फॉलो करो ऑल्सो वन मोर अपडेट

कोविड में ये कहां तक का लो बना के आया था 40, 50 का लो बना के आया था जहां से ये स्टॉक कहा गया ऑलमोस्ट वन थाउजेंड हिट थाउजेंड परसेंट रिटर्न मल्टी बैगर स्टॉक्स में आता है इंटेलेक्ट डिजाइन सो यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे सो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स ये अगेन हाइएस्ट वॉल्यूम्स है का, after, uh, 22 2021. इस के बाद

2022 के के जो 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 हाई हाई का का था जो बना था जो था बना कि 975 तक हाईएस्ट प्राइस ऑल टाइम स्टॉक वहां बनाया मैंने मैंने देखा 60 से 50 के बीच में अमेजिंग रिट्रेसमेंट जोन है है ये ठीक तो मैंने इसको इसको कर दिया इसको हम क्या कहते हैं गोल्डन काम खत्म हो गया पिछले ब्रेकआउट थे ब्रेकआउट लेवल से अभी भी ये स्टॉक काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है ठीक तो well है थीके? तो वेल एंड गुड है ठीक है हम लोग चलते हैं दूसरे टाइम फ्रेम पे दैट विल बी वीकली टाइम फ्रेम ओके सो वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोग स्टॉक को देखो लेट मी शो यू गाइस अ वेट मिनट या वीकली टाइम फ्रेम पे आप स्टॉक को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक ने एक वेरी अमेजिंग शार्प फॉल दिखाया ठीक है एंड यहाँ पे एक कंसोलिडेशन पैटर्न एंड उसी शार्प फॉल को कंटिन्यू करा अब यहाँ से हम लोगों को नापना है कि क्या ये फोर्टी टू परसेंट का जो फॉल था ये हो गया कम्प्लीट यहाँ पे नहीं हुआ ठीक है सो कभी भी ये ऐसे कम्प्लीट नहीं होता है राइट सो इट कैन अगेन फॉल 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 ये फिर से तो कर सकता है है बट अगर हम यहां पे देखें आफ्टर दिस हाई स्टॉक हुआ ठीक एंड जरूरी नहीं है कि ये पूरी लेंथ ही कवर करे ये लमसम लेंथ कवर करता है एंड मेरे हिसाब से एक लमसम लेंथ इसने कवर कर ली है पूरे मूव का 50 60 परसेंट भी यहाँ पे बनता है ठीक है इसने यहाँ डबल बॉटम बनाया

जब भी इस तरीके के स्टॉक्स दिखे गुड लेवल्स पे सो so, क्या करो एक छोटा सा अमाउंट आई पुट एट दिस एरिया

लो दिस विल बी अ लो ऑफ द स्टॉक राइट सो ये जो लोज है ये पिछले लो से मतलब ये अगर लो बनता है तो पिछला लो तो यहाँ पे और ये लो बनता है तो भी पिछला लो यहाँ मतलब हायर लो बना और ये हाई है तो इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है या फिर एक बार अपसाइड मूवमेंट दे के फिर एक रिट्रेसमेंट देके फिर एक ब्रेकआउट देता है दोनों केसेस में हाई जो है एक ये हाई हो गया ठीक है एक ये हाई हो गया ये वो केसेस है जब हमारा स्टॉक हमारे डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब की बात कर रहा हूँ तो लोज हमें कंफर्मेशन देगा और हाईज हमें एक वो देगा अः uh, इंडिकेशन कि भाई आप जो है यहाँ पे क्वांटिटी और पुट करी जा सकती है सो दिस इज माय थिंकिंग माय रूल्स ठीक है ये मेरे हिसाब से आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू दिस ओके यू आर फ्री टू टेल मी दिस ऑन माय टेलीग्राम कि यार वहां पे आप अपने डिस्कशंस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में आके इस तरीके से लोग अपने uh, खुद के एनालिसिस करते हैं खुद के व्यूज uh, पूछते हैं और बहुत सारे डिस्कशन uh, करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना का यहाँ पे किसी ने बोला भी है कि यहाँ पे एनालिसिस करो ठीक है एंड हेयर द एनालिसिस फॉर हिम तो ऐसे ही हमारे यहाँ चलता है टेलीग्राम पे टेलीग्राम का एम सिक्स जीरो नाइन जीरो है सो डोंट फॉरगेट दैट एंड कीप फॉलोइंग गाइस राइट नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो अगेन सो यहाँ पे जब हाई ब्रेक होता है तो ये लो फॉर्मेशन high, बनना चालू हो गया कहाँ से डबल करीज करने लग गया ठीक है रिमूविंग एवरीथिंग थिंग सो दोनों केसेस में जब हाई ब्रेक होगा तो मैं क्या करूंगा दस हजार रुपए और डाल दूंगा फिर एक हायर हाई बनेगा जब स्टॉक वापस रिटेस करेगा हायर लो बनाएगा फिर हायर पिछले अपने हाई को ब्रेक करेगा जस्ट अज्यूम कि इस तरीके से ये एक मोमेंटम चलता रहा स्टॉक का चलता रहा चलता रहा ठीक है तो अगर मुझे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मिलती है तो अब मैं आगे क्या करूंगा फ्यूचर में यहाँ पे भी टेन थाउजेंड जाऊंगा वैलिड है अगर ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है अदरवाइज में पिछले हाइस पे ही डालता रहूंगा यहाँ पे दस हजार डाले यहाँ दस हजार डाले यहाँ दस हजार डाले और इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करता रहूंगा कि क्या पता इस ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो गई मान लो ब्रेक हो गई दस नहीं डाले वेट करा पिछला हाई ब्रेक हुआ ये वाला हाई ब्रेक हुआ तब दस हजार डाल दिए ठीक है थीके? तो ऐसे कर करके एक लाख का इन्वेस्टमेंट बनाऊंगा टारगेट क्या रखूंगा टॉप एरिया अपना टारगेट नंबर वन रखूंगा बट क्या वो मेरा फाइनल टारगेट होगा नहीं फाइनल नहीं होगा फिर बना के एक्सटेंशन दूंगा मैं उसको टॉप से लेके बॉटम तक मैंने फिर बना के एक्सटेंशन दिया टॉप पे मैंने टारगेट नंबर वन टारगेट नंबर टू बनाया टारगेट नंबर थ्री बनाया इस तरीके से और टारगेट्स में बनाता चला गया ठीक है समझ में आ गया तो मतलब और टारगेट्स बन सकते हैं क्योंकि स्टॉक है और यहाँ से रिट्रेस करा है, तो एक पैटर्न बन जाएगा तो मतलब खींच सकते हैं राइट तो जब स्टॉक इस एरिया पे आएगा तो एक स्ट्रॉग रिजेक्शन क्या पता दे दे या क्या पता ब्रेकआउट दे दे दोनों केसेस में हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या पता है यहाँ प्रोफिट बुकिंग भी कर सकते हैं या फिर अगर एक ब्रेकआउट आता है या फिर एक छोटा सा ही रिजेक्शन आके फिर ब्रेकआउट देता है तो इस पर फिर एड कर लो और अगर नीचे आता है ये ऊपर ब्रेकआउट देके फिर ऊपर निकलने की कोशिश करता है इसको फिर ऐड कर लो या कोई पैटर्न दिखता है सो so, इस पूरे पाथ को हम एनालाइज करेंगे हायर आया हायर लोस को वॉच करते रहेंगे और एक बार भी प्रीवियस लो अगर ब्रेक होता है तो हम पोजीशन नहीं डालेंगे रादर वी विल सिट एंड सी कि क्या होता है स्टॉक में आगे ठीक है इनिशियल स्टॉप लॉस 25% का क्यों क्योंकि आप को देख सकते हो अगर ये पूरा मूव करप्ट हो गया पे तो एक लोअर लो क्रिएट हो जाएगा फिर कि डायरेक्ट सारी क्वांटिटी आज दी स्लो एंड स्टडी इन्वेस्टमेंट्स करे जाते हैं इस तरीके से ठीक है अब ये मेरी स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजीज में से ठीक है इट कैन बी गुड फॉर यू इट कैन नॉट इट माइट नॉट बी गुड फॉर यू ठीक है तो अपनी खुद की स्ट्रेटजी बताओ स्टॉक का खुद का एनालिसिस करो एंड फील फ्री टू शेयर द एनालिसिस ऑन माय टेलीग्राम बाकी लोग भी शेयर करो ठीक है मैं ऐसे ही एक पोस्ट डालूंगा और जैसे कजारिया कजारियारामिक्स का डाला ये पोस्ट सो so उस उसपे भी ये इंग्लिश ऑडियो होगा हिंदी ऑडियो होगा कॉमेंट सेक्शन में जाओ और अपना आइडिया यहाँ पे पोस्ट कर दो कि मुझे इंटेलेक्ट डिजाइन में ये लगता है ठीक है सो फील फ्री टू शेयर योर व्यूज फील फ्री टू आस्क डाउट क्वेरीज जो भी है एंड अगर इंग्लिश में ये सेम वीडियो चाहिए सो गो देयर राइट नाउ ऑन माई टेलीग्राम सिक्स जीरो before this month get over okay because this month's pnl video is going to be amazing guys and wo video, if you want to see that video do this for me thank you so much we'll see you tomorrow aiming for 65 likes in this video and i hope you guys will do it thank you so much we'll see you tomorrow